न्यूज़ आज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। ग्वालियर में ठाटीपुर थाना पुलिस ने 15 साल से फरार चल रहे हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया। न्यायालय ने पत्नी की हत्या के जुर्म में आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, लेकिन जेल से पेरोल पर बाहर आने के बाद वो फरार हो गया था। पत्नी के हत्यारा पति दिल्ली में नाम बदलकर गार्ड की नौकरी कर रहा था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस उन लोगों के बारे में पता लगा रही है जिन्होंने 15 साल के दौरान हत्यारे की मदद की थी। घनश्याम गोस्वामी पुत्र श्री रामचरण गोस्वामी नदी पार टाल का रहने वाला है। वर्ष 2003 में इसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। इसको न्यायालय द्वारा सजा दिए उम्र कैद की सजा दे दी गई थी और 2006 में पेरोल पर आकर पेरोल जम करके उस समय से लगभग फरार था। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए थे। स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी था। इसकी गिरफ्तारी पर 10,000 रुपये का इनाम घोषित था। पुलिस पिछले 13 साल से इसको गिरफ्तार करने के लिए अनथक प्रयास कर रही थी और पुलिस द्वारा अत्यधिक मेहनत कर इसको ये लगातार फरार था। न इसका कोई अता पता था। पुलिस अपनी टिप्स पर सूचना प्राप्त कर दिल्ली गई। दिल्ली में एक सिक्योरिटी एजेंसी में सुरक्षा गार्ड की नौकरी करते हुए पाया गया। इस वहाँ नाम बदल कर बेस बदल कर रह रहा था। अपना नाम इसमें घनश्याम की जगह राजेश शर्मा रख लिया था और काफ़ी मेहनत के बाद पुलिस को सफलता मिली। ग्वालियर से भूपेंद्र साहू की रिपोर्ट, न्यूज़ आज। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप बने रहे न्यूज़ आज के साथ।